नमस्कार साथियों साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे आईएटीएफ आईएसओ 9001, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। तो साथियों आइए देखते हैं। साथियों ये इंडेक्स है, इंडेक्स में हमारे हैं प्रोसीडर्स। प्रोसीडर्स की बात करें हम तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट्स, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, इसको कापा कहते हैं हम। तो हम इनको चीज़ों को पहले डिजाइन डेवलपमेंट के लिए कोई हम प्रोसीडर बनाते हैं, ऐसे हम करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन का एक सेफ्टी मीटिंग बैठाएंगे, कैसे करेंगे क्या करेंगे, हम पूरा प्रोसीडर बनाते हैं इसका भी, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ना, बेसिक प्लान। तो इस टाइप से जो है हमारे इन सबको हम एक प्रोसीडर बनाते हैं। तो ये प्रोसीडर्स आपको चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपको सेल्फ स्टडी के लिए, तो ये हमसे ले सकते हैं, बट ये पेड रहेंगे, आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद ही ये डॉक्यूमेंट आपको मिल सकते हैं। ये कुछ हमारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट हैं, रिकॉर्ड हैं, तो ये आप देख सकते हो, जैसे रिस्क रजिस्टर क्या होता है ना, और ये स्कोप क्या होता है, मतलब इस टाइप से ये क्वालिटी मैनुअल, पॉलिसी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रोसेस फ्लो ऑफ सिस्टम, ये चीज़ें आपको चाहिए तो ये भी आप मेरे से ले सकते हो। तो ये दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके आप मेरे से ले सकते हो, बट ये पेड रहेंगी। फॉर्मेट की बात करें हम, तो फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होते हैं, ये आपके एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ये हम फॉर्मेट भी देते हैं, बनाते हैं, तो ये भी आपको चाहिए तो ले सकते हो। और फॉर्मेट आप MSA, SPC है ना, PPAP, APQP, ये तो फॉर्मेट होते हैं, इनके भी मिलेंगे आपको। और अदर फॉर्मेट चाहिए, फर्स्ट पार्टी अप्रूवल, कैलिब्रेशन का, कंट्रोल प्लान का, तो ये सारे कैसे फॉर्मेट्स बनाते हैं वो सारी स्टडी कराते हैं हम। तो ये भी मेरे से दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा सकते हो, अपनी कंपनी में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा सकते हो, आप सेल्फ ट्रेनिंग ले सकते हो। तो जैसे भी रिक्वायरमेंट्स है, आप सीखना चाहते हो तो सीखने के लिए काफ़ी है, तो ज़्यादा पेमेंट नहीं, थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप सीख सकते हो। आइए हम बात कर आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं हमारे क्लोजेज हैं हमारे जो, जैसे हम बात करें IATF 16949 में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस क्लोज के अंतर्गत क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप एक नज़र देख लेते हैं एक नज़र से। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, मैं दिखाता जा रहा हूँ क्लोज बाइज क्लोज, कौन से क्लोज में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो इस टाइप से हम पूरा समझाते हैं, और ये डॉक्यूमेंट कैसे बनता है ये भी हम इसमें बताते हैं। जैसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें तो ये 7.2 और 2.2 के अंतर्गत आता है ना। अगर बात करें हम ऑप्शन ऑफ जॉब इंस्ट्रक्शन की, तो ये सब मिलता है इसके अंतर्गत, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भी मेरी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, और जो हमारी इसमें यूट्यूब बॉक्स गैलरी बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो, पूरी इसमें सारी डिटेल के साथ आपको मिल जाएंगे, ये डाटा सारा वो आप सब देख सकते हो। ये ऐसे 4M चाहे रिशियन भरते हैं, तो ये क्लोज किस क्लोज के अंतर्गत आता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इस टाइप से सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल रहेंगे मेरे पास। देखिए साथियों क्वालिटी पॉलिसी बात करें तो 8.5 के अंतर्गत आती है ना। ये देखिए MTBF, MTTR जो है मेंटेनेंस का डाउन टाइम वगैरह निकालने के लिए, और डाउन टाइम कैलकुलेस करने के लिए, हम जैसे कम से कम डाउन टाइम आए उसको एनालिसिस करने के लिए हम ये क्लोज में दिया गया है ये ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन है ना, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये पूरा क्लोज वाइज समझाते हैं और पूरा अच्छे से समझाते हैं हम। तो आपको कहेंगे SPC, CPCP के निकालते हैं तो किस क्लोज के अंतर्गत आता है, तो 9.1.1 के अंतर्गत आता है, ये आप देख रखा है। तो इसी टाइप से आप क्लोज में पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो पूरा हम स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं ISO और IATF का, उसके अंतर्गत सारा को समझाते हैं हम। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं कमेंट करके। ओके, थैंक यू।